लक बाय चांस एपिसोड 111 एक काम। मिनी को लगता है कि इस डिनर डेट के बदले लॉरेंस उससे एक फेवर मांग रहा है, जिससे वो भड़क कर वहां से चली जाती है और डिंपल को मुंबई में देखकर वरुण के पैर जमीन पर नहीं टिकते। वहीं एक अनजान सरोज का पीछा करता हुआ देखा जाता है। देर रात तक भी मिनी और लॉरेंस की डिनर डेट खत्म नहीं हुई थी। लॉरेंस के आलीशान फ्लैट के शानदार स्विमिंग पूल में कुछ देर तक एक दूसरे को रिझाने के बाद वो दोनों लॉरेंस के बेडरूम में चले गए थे, जहां लॉरेंस किसी लड़की के साथ नहीं जाता था। पहले तो ऐसे ही वो किसी भी लड़की को अपने घर नहीं लाता है, और लाता भी था तो उनके साथ रात गुजारने के लिए वो अपने घर का कोई भी कमरा चुन लेता था। लेकिन उसका बेडरूम सिर्फ उसके सोने के लिए था। सफेद रंग की दिखने वाली हल्के नीले रंग की चादर में लिपटे मिनी और लॉरेंस इस वक्त पसीने में भीगे हुए कमरे की उस हल्की रोशनी में एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी मिनी ने लॉरेंस के चेहरे पर अपनी एक उंगली फेरते हुए उससे कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो आमिर, पता नहीं मीडिया वाले तुम्हें इतना अकड़ू क्यों समझते हैं। लॉरेंस को मिनी के मुंह से अपना नाम हामिद सुनकर थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता और उसके सवाल के जवाब में मजाक करता हुआ कहता है, आज इस डेट से पहले तुम भी तो मुझे अकड़ू ही समझती थी, नहीं? लॉरेंस की ये बात सुनकर मिनी को 4 महीने पहले उसकी पार्टी का वो दिन याद आ जाता है, जब लॉरेंस ने वरुण को वर्थ को शुरू करने का चैलेंज दिया था, और फिर वर्थ के लॉन्च का दिन जब मीडिया वाले उससे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे थे। मिनी को चुप देख लॉरेंस उठकर बैठता है और एक सिगरेट जलाकर उसके कश लेने के बाद मिनी से कहता है, वैसे तुम खुद भी कुछ कम अकड़ू नहीं हो, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है अभी तुम कहीं से कोई छुपाई हुई गन निकालोगी और मुझे शूट कर दोगी। लॉरेंस का अंदाज गलत नहीं था, मिनी का काम ही ऐसा था जिसमें उसे हर वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत थी, और ये पहली बार नहीं था जब किसी ने उसके बारे में ऐसा अंदाजा लगाया हो। इसीलिए वो बेपरवाही से उठकर लॉरेंस के कंधे पर अपना सर टिकाकर बैठने के बाद उसके हाथ से सिगरेट लेकर उसका एक कश खींचती है। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे के बदन को छूने, उसे महसूस करने और एक दूसरे के बदन की गंध में डूबने के बाद लॉरेंस थोड़ा हिचकिचाता हुआ मिनी से पूछता है, मिनी मेरा एक काम था, तो मेरे लिए वो काम कर सकती हो क्या? और मिनी अपने ख्यालों की दुनिया में खोई लॉरेंस की उंगलियों से खेलती हुई उससे बस हूँ कहकर जवाब देती है। मिनी का जवाब सुनकर लॉरेंस थोड़ा एक्साइटेड होता हुआ कहता है, वो मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि सरोज सिंघानिया मुंबई आई है। सरोज का नाम सुनते ही मिनी सीधे होकर बैठ जाती है और थोड़े कंफ्यूजन से लॉरेंस की तरफ देखने लगती है, और लॉरेंस आगे कहता है, तुम्हें तो पता ही है कि वो कितनी अच्छी और बड़ी फैशन ब्लॉगर है, मैं कब से उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मुमकिन ही नहीं हो पा रहा है। इस बार भी जब मुझे पता चला कि वो मुंबई में है तो मैंने सबसे पहले मेरे मैनेजर से अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करवाया, तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो यहाँ अपने किसी पर्सनल काम से आई हैं, इसीलिए किसी के बिजनेस सिलसिले में नहीं मिलना चाहती हैं। जैसे जैसे मिनी लॉरेंस की बातें सुनती जा रही थी, वैसे वैसे उसका चेहरा लाल होता जा रहा था, और तभी लॉरेंस उसकी तरफ मुड़कर उसका हाथ पकड़ते हुए किसी बच्चे की तरह जिद करता हुआ बोला, तुम तो उन्हें पहले से जानती हो ना, इसलिए अगर तुम सिर्फ 1 घंटे के लिए मुझे उनसे मिलवा देती तो। ये कहते हुए लॉरेंस देखता है कि मिनी की आंखें गहरी हो रही हैं और वो हड़बड़ाता हुआ कहता है, अब अच्छा 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, ठीक है 15 मिनट, ठीक है 15 मिनट के लिए ही मिलवा दो यार। लेकिन मिनी एक शब्द नहीं कहती और बिस्तर से उठकर लॉरेंस के वार्डरोब में चली जाती है। जब तक लॉरेंस इसका मतलब समझ पाता, तब तक मिनी लॉरेंस का एक ओवरसाइज शर्ट पहनकर बाहर आती है। अब तक मिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, और उसे देखकर लॉरेंस ने हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ मिनी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, तुम कहाँ जा रही हो? और लॉरेंस के सवाल के जवाब में मिनी बेडरूम से बाहर निकल कर यहाँ वहां से अपना एक एक सामान उठाती हुई कहती है, मुझे पहले से ही समझ जाना चाहिए था तुम मर्द बिना अपने किसी फायदे के लिए कभी कुछ कर ही नहीं सकते,
मुझे लगा था तुम थोड़ी अलग होगे लॉरेंस, पर कोई फर्क नहीं है तुम में और बाकी के आदमियों में। आज की डेट के लिए थैंक यू, लेकिन आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज मत करना, नहीं तो मैं सच में तुम्हें शूट कर दूंगी। ये कहकर मिनी फ्लैट का दरवाजा खोलने के लिए बढ़ती है, लेकिन लॉरेंस आकर उसके सामने खड़ा होता हुआ उससे कहता है, तुम गलत समझ रही हो मिनी, आज की ये डेट मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे कोई फेवर मांगा, मुझे नहीं चाहिए कोई अपॉइंटमेंट, बस तुम मत जाओ, प्लीज रुक जाओ। मैं सॉरी कह तो रहा हूँ, लेकिन मिनी उसकी एक नहीं सुनती। और जब वो लॉरेंस को अपनी गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से घूर कर देखती है, तो वो डर के मारे उसका रास्ता छोड़ देता है। लॉरेंस मिनी का फायदा नहीं उठाना चाहता था, बस बातों बातों में उसके मुंह से ये बात निकल गई थी और अब वो उसके लिए बहुत पछता रहा था। तब तक मिनी गुस्से में लिफ्ट से नीचे उतरने की बजाय दंदनाती हुई सीढ़ियों का रास्ता ले लेती है, जहां देर रात एक बार फिर मिनी का दिल टूटने के कगार पर था, वहीं दूसरी तरफ वरुण को अब तक भरोसा नहीं हुआ था कि डिंपल सच में मुंबई में है। इसीलिए उसने फोन पर डिंपल से कहा, अब मैं अभी हॉस्टल के लिए निकल रहा हूँ, और अगर डिंपल तुम वहां नहीं हुई और ये तुम दोनों का कोई मजाक हुआ तो रिया की बच्ची आज तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर वरुण फोन रखने वाला होता है कि डिंपल उसे रोक कर कहती है कि वरुण को इस वक्त हॉस्टल आने की कोई जरूरत नहीं है, और उसे यकीन दिलाने के लिए वो अपने फोन का लाइव लोकेशन भेज रही है। वरुण इसके लिए मान जाता है, और कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद जब वो डिंपल की लाइव लोकेशन सच में यूनिवर्सिटी हॉस्टल की पाता है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वरुण जैसे अपने सारे दुख भूल जाता है और खुशी से उछलकर अपने बिस्तर पर कूद जाता है। उसे अब तक लग रहा था कि ये कोई सपना है, इसीलिए वो खुद को बार बार हकीकत और सपने का फर्क बताने से नहीं चूक रहा था। डिंपल के अचानक इस तरह से मुंबई आ जाने के बाद वरुण के मन में बहुत सारे सवाल भी खड़े हो गए थे, जिन्हें वो जल्द से जल्द डिंपल से पूछ लेना चाहता था। इसीलिए अगली सुबह होते ही वो अच्छे से तैयार होकर डिंपल और रिया के हॉस्टल के सामने पहुंच गया। महीनों पहले डिंपल बिना कॉलेज में किसी को इन्फॉर्म किए ही धनबाद के लिए निकल गई थी, इसीलिए सबसे पहला काम जो वो करने वाली थी वो था अपने म्यूजिक कॉलेज में री एडमिशन में बात, और ये बात वरुण भी समझता था। इसीलिए डिंपल के हॉस्टल से निकलने से पहले ही वो अपनी कार लेकर उसके बाहर खड़ा था, और जैसे ही डिंपल हॉस्टल से बाहर आई वो एक्साइटमेंट से दौड़ता हुआ उसके पास गया और उससे लिपट गया। डिंपल ने भी उसके गले लगकर अपनी आंखें बंद कर ली, और जब कुछ मिनट्स तक दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए तो पास ही खड़ी रिया ने मजाक करते हुए कहा, वैसे तुम दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में कब बताने वाले थे? रिया की आवाज सुनकर डिंपल और वरुण का ध्यान टूटता है, और वो दोनों हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से अलग होने के बाद साथ में कहते हैं, बहुत जल्द। सड़क से आते जाते लोग हॉस्टल के बाहर दो लड़कियों के साथ खड़े वरुण सिंघानिया को देखकर आश्चर्य कर रहे थे, और साथ ही आपस में कुछ खुसफुसाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर रिया कहती है, अब मैं नहीं चाहती कि लोग हम लोगों का लव ट्रायंगल बनाकर पूरी यूनिवर्सिटी में पर्चे बांट दे, इसलिए मैं चलती हूँ, और डिंपल एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल करके बताना, और वरुण इतने दिनों बाद मिले हो तो तुम डिंपल को ज्यादा परेशान मत करना, ओके बाय। ये कहकर रिया मुस्कुराती हुई वहां से जाती है, और वरुण डिंपल का हाथ पकड़े हुए ले जाकर अपनी कार में बिठाता है। कार को आगे बढ़ाने से पहले वरुण डिंपल के होठों पर एक छोटा सा किस देकर कहता है, वेलकम बैक डिंपल, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वरुण की इस हरकत से पहले डिंपल थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन फिर मुस्कुराती हुई कहती है कि उसने भी वरुण को बहुत मिस किया। होठों की इस हल्की सी छुअन से वरुण को पूरी तरह यकीन हो गया था कि ये कोई सपना नहीं है। हॉस्टल से निकलकर डिंपल के म्यूजिक कॉलेज पहुंचने तक वरुण ने अपना एक हाथ कार की स्टेयरिंग पर रखा था और दूसरा डिंपल के हाथ पर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पल के झपके और डिंपल उसके सामने से गायब हो जाए। रास्ते में वरुण के पूछने पर डिंपल उसे एक छोटी कहानी बताती हुई कहती है कि उसकी माँ उसकी शादी किसी और से करवाना चाहती थी, इसीलिए वो फिर से भाग कर मुंबई आ गई है, क्योंकि वो किसी और से शादी नहीं कर सकती, वो सिर्फ वरुण से प्यार करती है, और वरुण से ये भी कहती है कि अगर इस बार उसके पापा या कोई धनबाद से उसे ढूंढता हुआ यहाँ आया तो भले ही वो समंदर में कूदकर जान दे देगी, लेकिन घर वापस नहीं जाएगी। डिंपल की शादी की बात सुनकर वरुण की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि डिंपल उससे बस कुछ महीने बड़ी थी,
मतलब बस 19 की होने वाली थी और ये आज के जमाने में शादी की नहीं बल्कि सपने देखने और उड़ान भरने की उम्र थी। इसीलिए वरुण डिम्पल से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ डिम्पल, आई एम श्योर वो मेरी बात समझेंगे। और मिस्टर शर्मा तो तुम्हारे पापा की कितनी तारीफ कर रहे थे, तुम तुम्हारे पापा का नंबर दो, मैं उनसे अभी बात करता हूँ। वरुण को इस तरह उतावला देख डिम्पल को कोई जवाब नहीं सूझता। तभी वरुण कार को डिम्पल के कॉलेज की पार्किंग में ले जाकर रोकता है और डिम्पल मौका पाकर कार से बाहर निकलती हुई कहती है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे वरुण, फिलहाल मेरा रीएडमिशन ज्यादा जरूरी है, अब तुम जाओ। लेकिन वरुण डिम्पल को सिर्फ कॉलेज तक ड्रॉप करने नहीं आया था, बल्कि वो यहाँ सबको बता देना चाहता था कि डिम्पल उसकी है और अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वरुण कार से निकलकर डिम्पल के पीछे जाता है और उसके लाख मना करने पर भी उसके साथ चलने लगता है। डिम्पल के सारे सीनियर्स उसे पहचानते थे, लेकिन फिलहाल वो समझ नहीं पा रहे थे वो इतने दिनों बाद कॉलेज क्यों आई है, वो भी वरुण सिंघानिया के साथ। सारे लड़के और लड़कियां वरुण और डिम्पल को साथ में देखकर जलते हैं और इस बात को भांपते हुए वरुण मन ही मन खुश हो जाता है। जब वो दोनों कॉलेज के डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचते हैं तो हैरानी के कारण उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, मिस्टर सिंघानिया आप यहाँ कैसे, और डिम्पल तुम कहाँ गायब हो भाई इतने दिनों से। डिम्पल डायरेक्टर के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाती और वरुण डायरेक्टर से हाथ मिलाने के बाद उनके सामने बैठता हुआ डिम्पल के रीएडमिशन की रिक्वेस्ट करता हुआ कहता है, सर आपको तो पता है डिम्पल कितनी सिंसियर स्टूडेंट है। वरुण की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी लेकिन डायरेक्टर ने उसे बीच में ही टोक कर मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए आपको खुद आने की जरूरत नहीं थी मिस्टर सिंघानिया, डिम्पल तुम आज से ही क्लास ज्वाइन कर सकती हो, एडमिशन की प्रोसेस मैं खुद देख लूंगा। वरुण के होने से डिम्पल के सारे काम आसान हो गए थे। वहीं वरुण इस बात से अब तक अनजान था कि उसकी जिंदगी में डिम्पल कैसी मुसीबत लाने वाली है। एक तरफ जहां वरुण डिम्पल के प्यार में कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया हाइट्स के होटल में सरोज से अब वरुण से मिलने का इंतजार नहीं हो रहा था, इसीलिए वो तैयार होकर उससे मिलने के लिए खुद ही निकल पड़ी। सरोज होटल के सामने से जैसे ही एक कैब में बैठकर सिंघानिया के ऑफिस जाने के लिए निकली, उनकी के पीछे काले रंग की कार चलने लगी और उसमें बैठे आदमी ने फोन पर किसी से कहा, वो अभी अभी अपने होटल से कहीं जाने के लिए निकली हैं, मैं उसके पीछे ही जा रहा हूँ। कौन है ये आदमी जिसे सरोज सिंघानिया की जिंदगी में इतनी दिलचस्पी है और क्या है इस आदमी के इरादे, जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।